सोलन के अर्की में स्टील ग्रैंड कप चूना पत्थर मिलना प्रदेशवासियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं था, लेकिन सरकार की अनदेखी ने एनएमडीसी के प्रोजेक्ट को फाइलों में दफन कर दिया। धर्मशाला क्षेत्र के समाजसेवी संजय शर्मा ने सोलन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का दफ्तर 30 वर्षों से अर्की में खोला गया है, लेकिन अब तक यहाँ इस प्रोजेक्ट को सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट से जहां युवाओं को सरकारी रोजगार मिलना था, वहीं देश की तरक्की के लिए भी इस प्रोजेक्ट का अहम योगदान दर्ज होता। समाज सेवी ने कहा कि अर्की के धार क्षेत्र में एनएमडीसी ने 1988 में सर्वेक्षण किया था, जिसमें उन्होंने पाया था कि यहां की जमीन पर 35% चूना पत्थर है और 65% स्टील ग्रेड वाला चूना पत्थर मौजूद है। यह पत्थर फिलहाल देश में चीन व खाड़ी देशों में आयात किया जाता है। संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश के उसी क्षेत्र में अंबुजा सीमेंट कंपनी और अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने इसके बाद आवेदन किया और उन्हें स्वीकृति भी मिल गई। ऐसे में सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों ने उन्हीं प्रोजेक्टों को स्वीकृति दी जिनसे उनके स्वार्थ जुड़े थे, लेकिन उस सरकारी प्रोजेक्ट की अनदेखी कर दी जिसमें युवाओं को सरकारी व सुरक्षित रोजगार मिलना था। आज हम लोग बात कर रहे हैं अर्की के धार क्षेत्र में 91 से प्रस्तावित एक स्टील अथॉरिटी के एक इंडस्ट्री के, जो पिछले 91 से प्रस्तावित था, शोध हुआ, वहाँ पाया गया कि जो 65% जो पत्थर है वो स्टील अथॉरिटी के काम आ सकता है, जो 35% है वो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काम आ सकता है। वहाँ एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक ऑफिस भी है जो चल रहा है, वहाँ पर मैनेजर रैंक के अधिकारी बैठते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो प्लांट जो है आज तक अस्तित्व में नहीं आया। 91 से जो स्टील अथॉरिटी का प्लांट जो प्रस्तावित था वो उसको बिल्कुल लगना चाहिए वहाँ पर। हिमाचल में अभी 11 लाख से ज़्यादा रोजगार बेरोजगार जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और स्टील अथॉरिटी प्लांट ने बात उस टाइम बात की थी कि 400 लोगों को जो है वो डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। 400 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलता है तो इनडायरेक्टली कितने लोगों को मिलेगा वो आप बेहतर जानते हैं।